ब्रिजभूषण सिंह को लेकर किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है, इसे लेकर 2 जून के दिन माहौल बनाया जाने लगा। कई पत्रकार ट्वीट कर माहौल बना रहे थे कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि कार्रवाई से पहले भूमिका तैयार की जा रही है। कुछ ने कहा कि बीजेपी का कोई नेतृत्व है शीर्ष जो नाराज है, तो कोई प्रधानमंत्री के लिए माहौल बनाने लग गया कि एक्शन अब तय है। इसी बीच बालासोर से रेल दुर्घटना की खबर आ गई। दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह घटना नहीं हुई होती तो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। जिस वक्त ऐसी कोई खबर आएगी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। उन्हें पार्टी से निलंबित किया जाए या गिरफ्तार किया जाए या दोषी को पकड़ने की कार्रवाई नहीं होगी बल्कि अपनी छवि को बचाने की कार्रवाई है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने 3 जून को इस मामले में एक और खबर छाप दी है। महेंद्र सिंह मंडल की रिपोर्ट इस मामले में सरकार के खेल को पकड़ लेती है। इसमें बताया गया है कि एक ओलंपिक खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली और एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी और राज्य स्तर के कोच ने इन आरोपों की पुष्टि की है। कम से कम 3 महिला खिलाड़ियों के आरोपों को इन लोगों ने सही माना है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि 4 राज्यों में इसके 125 गवाह हैं जिनके बयान दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान रिकॉर्ड किए हैं। एक कोच ने माना है कि महिला कुश्ती खिलाड़ी ने घटना के कुछ घंटे बाद उन्हें फोन पर बताया था। दिल्ली पुलिस की जांच से संबंधित जो खबरें आ रही हैं वो यही साबित करती हैं कि सरकार 5 महीने तक सोती रही। खिलाड़ियों ने यही सब बातें कमेटी को भी बताई होंगी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों खिलाड़ियों को FIR करने के लिए धरने पर बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? अब जब इसे लेकर जन दबाव बढ़ता जा रहा है तब नेतृत्व की नाराजगी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ट्विटर पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि FIR में एक खिलाड़ी ने कहा है कि उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री को बता दी थी। यह 3 जून की खबर है, टेलीग्राफ में छपी है। हेडलाइन कह रही है कि एक पहलवान ने 2021 में प्रधानमंत्री को ब्रिजभूषण सिंह के शोषण के बारे में बताया था। महिला खिलाड़ी ने FIR में लिखा है कि जब ब्रिजभूषण सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाले ओलंपियन खिलाड़ियों की लिस्ट से मेरा नाम हटवा दिया, तब प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। प्रधानमंत्री ने बुलाया, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उस वक्त मैं काफी निराश थी, उनकी बातों से भरोसा मिला। भारत के लिए ना खेल पाने और खुदकुशी के ख्याल दिमाग से निकल गए। खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री को बताया कि ब्रिजभूषण सिंह उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा, खेल मंत्रालय मामले को देखेगा, लेकिन बाद में ब्रिजभूषण सिंह को सूत्रों से यह बात मालूम चल गई। FIR में यह बात प्रधानमंत्री से भी गंभीर सवाल करती है। उन्हें एक महिला खिलाड़ी ने निजी तौर पर बात बताई, यह बात आरोपी तक कैसे पहुंच गई? 2021 में जब खिलाड़ी ने बताया और 2023 के जनवरी में खिलाड़ियों ने पहली बार धरना दिया, तब भी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं एक्शन लिया? प्रधानमंत्री ने जानते हुए क्या किया? इन सब सवालों को पीछे कर क्या सिर्फ कार्रवाई के आधार पर उनकी वाहवाही की जा सकती है कि वे ब्रिजभूषण सिंह से नाराज हैं, इसलिए ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई केवल और केवल प्रधानमंत्री की छवि बचाने की कार्रवाई होगी, इंसाफ दिलाने के लिए नहीं। इंसाफ तो लड़कियां लड़कर ले रही हैं, मई की धूप में जंतर मंतर पर बैठकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए उनके संघर्ष को किसी नेता के इमेज मैनेजमेंट से हथियाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अभी तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जांच के नाम पर खिलाड़ियों से अपनी दूरी बरत रही थी और सही बता रही थी। बबीता फोगाट के सहारे धरने पर बैठी खिलाड़ियों पर तंज कर रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रिजभूषण सिंह ने 5 जून की रैली रद्द करने का ऐलान किया, चैनलों पर चलने लगा कि बीजेपी का नेतृत्व नाराज है, जबकि ब्रिजभूषण सिंह का ANI पर बयान आया है कि सुरक्षा कारणों से रैली रद्द हुई है। उधर कुरुक्षेत्र में महापंचायत ने साफ साफ कह दिया है कि ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, वरना 9 जून से खिलाड़ी फिर से जंतर मंतर पर धरना देने आ रहे हैं और देश भर में पंचायतें होंगी। अगर जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया गया तो देश भर में आंदोलन करेंगे। क्या बीजेपी का नेतृत्व या प्रधानमंत्री इतने नाराज हैं कि ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने में या निकालने में या निलंबित करने का फैसला लेने में इतना वक्त लग रहा है? अगर गिरफ्तारी होती या पार्टी से निलंबित किए जाते तो ये नेतृत्व की नाराजगी के कारण नहीं, लड़कियों के इरादे के कारण हो रहा होगा।